दोस्तों, पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन पसीने में स्मेल आना, आपके आसपास कोई खड़ा होने को कतराता हो, अगर आप कहीं जाने में भी खुद को असहज सा महसूस करते हैं कि हमारे पसीने में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, हम कैसे किसी के पास खड़े होकर बातचीत करें। कई बार लोग इस परेशानी को अनदेखा भी कर देते हैं, लेकिन संभल जाइए, ये भी एक तरीके का रोग है। अगर आपके पसीने में स्मेल आती है तो आप कौन सा नुस्खा अपना सकते हैं जिससे आपको राहत मिल सकती है, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से बेहद लाभदायक असरदार नुस्खा। अलसी और नमक जैतून वाला नुस्खा से ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये किडनी को मजबूर करता है ये नुस्खा के खून की सफाई करे। खून की सफाई हो गई तो पसीने की बदबू जाना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आए। बहुत सारे पेशेंट्स की शिकायत है कि खुजली की बड़ी समस्या उनको हो रही है, चाहे और किसी रोग से परेशान वो है ही, लेकिन खुजली का भी एक और असर उनके शरीर पर हो रहा है, जिसकी वजह से कभी उंगलियों में कभी पैरों में चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, खुजलाते रहते हैं। एक तो इसके होने के कारण क्या हैं और इसके लिए नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, दूसरे रोगों की तरह ये खुजली का रोग भी बढ़ गया काफ़ी जी, और उसमें सबसे बड़ा जो करेक्टर कर रहे हैं ये केमिकल युक्त खाने और सब्जियां और जितनी भी चीज़ें उगाई जा रही हैं उनके उनमें केमिकल का यूज़ होना लगा, इंजेक्शन लगने लगे सब्जियों में, और फिर दूध से तो हर कोई जुड़ा हुआ है, दूध ज़्यादातर नकली, दूध की हमारी जो खपत है अगर 100 लीटर है, और हमारे भारत में इसका उत्पादन सिर्फ 25 लीटर होता है, बाकी 75 लीटर दूध नकली पाया जाता है हर जगह पर, हर गांव में, हर शहर में, बस वही असली दूध है जो आप अपने सामने नज़र के सामने ले आएँ, वही दूध असली है। फिर शहद भी नकली, हर चीज़ नकली, खाते खाते जब हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो पित्ती उछलने लगती है, खुजली होने लगती है, और ये रहेगी। इस तमाम रोग जितने भी हैं ये इतनी दवाओं के बावजूद बढ़ते ही जाएंगे। और देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक नुस्खा ऐसा है जो कुछ हम खा रहे हैं और वो हम खा नहीं रहे अपनी मर्जी से, बल्कि हम मजबूर हैं उसे खाने के लिए, क्योंकि हर कोई तो भैंस नहीं पाल सकता, गाय नहीं पाल सकता, तो दूध तो मिलेगा ही, शहरों में तो बिल्कुल नहीं पाल सकते, गांवों में लोग पालते हैं। फिर जो सब्जियां उगाते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी दूध नहीं देता तो उसको इंजेक्शन लगा के दूध लिया जाता है, गाय या भैंस, तो वो सब असरात हमारे भोजन में पहुँच जाते हैं, और हमारा जिसम जो सबसे हल्का रिएक्शन करता है वो खुजली या पित्ती उछलना होता है। तो एक नुस्खा ऐसा भी है कि हम जो कुछ खाते हैं उसके असर को रोज़ाना ज़ाया कर दें, बेकार कर दें, निरस्त कर दें। तो मैं अक्सर नुस्खा बताता हूँ कि अलसी को हल्का सा भूनकर घर में रखें, अलसी हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना, घर में रखें पाउडर बनाकर, और एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून असली। अब इसमें भी असली नकली होने लगा है, क्योंकि जो भी दवाई मैं बताता हूँ उसकी नकल फौरन मार्केट वाले बना लेते हैं, उसकी डिमांड होती है मार्केट में, तो बहुत जगह पर नकली मिलता है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा और आधा चम्मच या एक चम्मच अलसी रोज़ाना एक बार जो शख्स खाए उसको 7-8 रोग, 10 रोग नहीं होते। एक तो जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारे किडनी और लीवर पे होता है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये किडनी को और लीवर को
सुरक्षित रखता है, ये नुस्खा। एक जो कुछ हम दवाएं खाते हैं उनके ख़राब असरात को ख़त्म करता है। एक हम जो सब्ज़ी, सालन, दूध, दही, शहद जो नकली खा लेते हैं, वो सब झेलना हमारे पेट को, लीवर को और किडनी को पड़ता है। तो ये इन पार्ट्स ऑफ बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचने देती, बल्कि जल्दी से उसे ढूंढकर पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। तो जो लोग दवाएं खाने पर मजबूर हैं, वो लोग भी जिनकी ज़िंदगी दवा बन गई है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है उसे ज़िंदगी भर दवा खानी है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसे खानी है। तो ये ऐसे तमाम रोगों को दूर करता है जो पेट से ताल्लुक़ रखने वाले हों, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, वर्म, लीवर का बढ़ जाना, किडनी का ठीक से काम ना करना, इन सब रोगों में ये फ़ायदेमंद है। प्लस स्किन के जो रोग हैं, जैसे खुजली या पित्ती उछलना या मुंह से निकलना, इनको भी दुरुस्त करती है। झारखंड से हैं रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत भाई, रतन भाई का। जी सर, मैं कुछ अपने बारे में दो एक की कमजोरी महसूस कर रहा हूँ सर। जैसे याददाश्त वो पहले जैसी रही नहीं सर। उम्र 67 वर्ष को होने से चलिए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं 67 वर्ष का हूँ, कि लोग कहते हैं, परिवार के लोग कहते हैं कि आप 67 वर्ष के हो चुके हैं। और सर जहनी तौर पर, मैंने जहनी क्या अंदरूनी कुछ ऐसा गीजा बताएं जो थोड़ा सा शरीर के लिए लाभ फायदेमंद हो। ठीक है, ठीक है सर। तन्हा साहब, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, बड़ा कीमती है ये, और ये 10-12 रोगों को दूर रखता है, जैसे एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, पेट में, आंतों में, लीवर में, वर्म, किडनी की हिफाजत। और किडनी जो है हमारे खून को छानती है, किडनी छन्ना है एक, और इसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, तो ये इसको भी दुरुस्त करते हैं। और चर्म रोग, और इस उम्र में दिमाग से खून पूरी तरह नहीं बहता, ये एक रोग, और याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। होना ये चाहिए कि जितना आदमी बुज़ुर्ग हो इतना ही हमारा दिमाग अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो हमारे नकली चीज़ें और नकली सब कुछ खाते हैं, तो पहले जितना बुज़ुर्ग होता था इंसान उतना तेज़ होता था, अब जितना बुढ़ा होता है इतना ही कमज़ोर होता जाता है। तो मैंने शुरू में ही एक नुस्खा बताया, वो आप भी ले सकते हैं। ये दिमाग से खून बहुत तेज़ी से बहाते हैं और इतने सारे रोगों की हिफाजत करता है। और जो कुछ हम ऐसा खाते हैं जो मिलावट का या नकली या जहरीला, ये उसको सबको बाहर कर देता है। तो आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कि एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी का पाउडर खा लें। ये खुराक ज़रूर ले लिया करें, आपका दिमाग बहुत शार्प, खून तेज़ी से बहेगा, और इसमें वो सब कुछ है जो दिमाग को ताकत देता है, किडनी को ताकत देता है, हाजमे को ताकत देता है, और ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी, छत्तीसगढ़ से हैं सरोज मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। मैम मेरी पूरी बात सुनना, मैं बहुत टेंशन में हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक तो ना आपके यहाँ से मेरा शुगर का दवाई चल रहा है। हाँ। जैतून का सिरका और गुल जामुन और कैप्सूल डी केयर। और क्या बोलते हैं, मेरा ना एक पैर के घुटने में भी बहुत तकलीफ रहता है, तो मैं सर से पूछना चाहती हूँ क्या मैं गोल किया भी इसी के साथ ले सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरा बेटा है 25 साल का, तो उसके सर में फंगस है, खुजली होता है, तो उसका साल भर इलाज चला, फिर डॉक्टर बंद कर दिए, बोले कि ये नहीं ठीक होगा, बोले आपको खुजली का दवाई दे रहे हैं और बाल माल बहुत कम हो गए उस सफर का, और आंखों के नीचे ना उसके काले काले घेरे हो गए हैं।
तो क्या वो गोल मोरिंगा से फंगस भी ठीक हो सकता है? ठीक है, उसके साथ कुछ और दवाई लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं टीवी का वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ, अब आप मैं टीवी से सुन लीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए मैम जी। हाँ देखिए, गौनसिया आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, आधा आधा ग्राम खाने के बाद, पानी या दूध से ले लिया करें। डायबिटीज आपकी कंट्रोल है। और बच्चे को ये जो नुस्खा मैंने अभी बताया था वो नुस्खा दीजिए, नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, और अलसी को खरीद कर हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, 1 चम्मच ये दीजिए अलसी का पाउडर या आधा चम्मच। ऐसी 1 खुराक या 2 खुराक बच्चे को खिला दिया करें, उसके आँखों के नीचे काले घेरे और खुजली और खून साफ होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत अगेन हमारी बहन का। देखिए भाई साहब, टीवी का और मेरा 4 फुट का फासला है, लेकिन ये फासला मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 दिन हो गए इतनी ट्राई करते जी, कई बार तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, कई बार तो ऐसे जादू सा हो जाता है ना, बहुत अच्छा। और भाई साहब क्या बताऊँ, आपने आपके नुस्खे तो ना सबको बहुत अच्छा फायदा कर रहे हैं। और मैं तो भाई साहब अभी तो मैंने 6 बोतल अदरक लहसुन नींबू और जैतून के सिरका मिला के बनाई है। और तो नुस्खे सब बनाती रहती हूँ, चूरन भी बनाती रहती हूँ 6 चीजों का, उसमें मैं बहुत सारी चीजें और भी डालती हूँ, 10-11 चीज बना देती हूँ जी। और ये चमकप्रास, ये माजूनार केर भी मैंने बना ली, मतलब बहुत सारे नुस्खे इतने ना, सारा दिन मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने में। सही। और भाई साहब ये बताओ, ये गाजर का जूस ब्लड प्रेशर आ लेती हुए घिया का, तो जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है ये भी पी सकती है क्या? और इनका तो भाई साहब हमने पूरी सब्जी गाजर का जूस खूब पिया आपके बोलने के बाद। हाँ देखिए, गाजर बहुत फायदेमंद है, खून तो बनाती है, आँखों का और दिमाग का बहुत ख्याल रखती है। देखिए जो भी दवा हमारे दिमाग को फ़ायदा करती है वो आँखों को भी फायदा करती है, जो आँखों को फ़ायदा करती है वो दिमाग को फ़ायदा करती है। विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में है और ये हमारे आँखों और दिमाग को फ़ायदा करती है, खून भी बनाती है तो लीवर को भी अच्छा करती है। और एक एक चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम मेन मेन फ़ायदे बताते हैं, अगर एक ही चीज़ के फ़ायदे बताने बैठ जाएं तो पूरा प्रोग्राम चला जाए और उसके फ़ायदे कम ना हो। ऐसी कुदरत ने ही अनमोल जड़ी बूटियाँ बनाई हैं और आप तो मुकम्मल वैद हो गई हैं, मेरी तरफ से आपको सर्टिफिकेट है पूरा वैद होने का। और आपके इलाके के लोगों को चाहिए कि आपको दिखा लिया करें और अपना रोग दूर कर लिया करें। इतनी मालूमात आपको हो गई, सारे नुस्खे बनाना जान गई और दिलचस्पी है आपको। एक्चुअली ये दिलचस्पी जो है ना, ये आदमी को कहीं भी पहुंचा सकती है। अभी आप बाकायदा लोगों का इलाज कर सकते हैं। और क्या सवाल है? बीपी के लिए वो गाजर का ही? हाँ, गाजर का, गाजर के साथ उसमें ज़रा सा वो भी डाल लिया करें, लौकी का जूस भी मिला लिया करें तो और ज़्यादा फायदा देती है।